आखिरकार प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में अब बयानबाजी का क्रम तेज होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के आरोपों पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तीखा जवाब दिया है। इस मामले को लेकर अब बयानों के खिलाड़ी आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये हनी ट्रैप, इसमें पूरे की पूरे मुख्यमंत्री अधिकारियों की उंगलियों पर नाच रहे हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूँ उन सब अधिकारियों को भी जो इसमें फंसे हुए हैं कि वो बेनकाब होंगे, और सरकार ने नहीं किया तो हम बेनकाब करेंगे। इसमें बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी करने वाली होती तो कब की कर देती। इसमें बीजेपी की तमाम चेहरे फंसे हुए हैं जिनका उल्लेख मैं शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जांच प्रभावित है। मंगलवार को प्रदेश की राजनीति के दो बड़े चेहरे बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर बयानों के तीर चलाते नजर आए। सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हनी ट्रैप मामले में कई बड़े अफसर शामिल हैं, जिन्हें लेकर विजयवर्गीय ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। देखिए, मेरा एक बहुत गंभीर आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर है कि ये हनी ट्रैप, इसमें पूरे की पूरे मुख्यमंत्री अधिकारियों की उंगलियों पर नाच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े अधिकारी संलग्न हैं, मुझे जानकारी मिली है। और ये बहुत गंभीर बात है कि यदि अधिकारी संलग्न हो और अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के धमाके करें जैसा कि इंदौर में हुआ है, इस धमाकों से वे अधिकारी बच नहीं पाएंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूँ उन सब अधिकारियों को भी जो इसमें फंसे हुए हैं कि वो बेनकाब होंगे, और सरकार ने नहीं किया तो हम बेनकाब करेंगे। उधर इसके जवाब में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं। उन्होंने विजयवर्गीय के बयान पर खुलकर अपना जवाब पेश किया। पूरे प्रमाण आने के बाद वो घिनौने चेहरे, ये बात आपकी सही है कि पर्दे के पीछे अभी भी छुपे हैं, उन चेहरों का सामने लाया जाना बहुत आवश्यक। मैं भी मानता हूँ एक सरकार के जिम्मेदार मंत्री रहते हुए इस बात को मैं कह रहा हूँ, उन घिनौने चेहरों को इसलिए आना चाहिए कि समाज में जो ये गंदा जहर फैलाने का काम किया है, लेकिन हमारी सरकार ये भी चाहती है कि वो चेहरे न्याय की पेड़ी पे फिसल ना जाए। इतना ज़बरदस्त परिपक्व केस बन के जाए, और अभी सवाल ये है कि इनके खिलाफ कुछ रिपोर्टें आना और बाकी हैं, वो आती निश्चित रूप से वो चेहरे। इसमें बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी करने वाली होती तो कब की कर देती। इसमें बीजेपी की तमाम चेहरे फंसे हुए हैं जिनका उल्लेख मैं शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जांच प्रभावित होती। दोनों बड़े नेताओं के ये बयान एक बार फिर उन्हें आमने सामने खड़ा कर रहे हैं, और बयानबाजी के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री वर्मा ने एक बार फिर हनी ट्रैप की सियासी आग में इजाफा भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।